दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज तारीख है 29 मई और दो दिनों से यहाँ हमारे एरिया में पानी लगातार बरस रहा है। और पहले तो मेरी बकरियाँ पूरी तरह से चराई पर हैं, लेकिन पार्टली मैं उन्हें सूखा चारा भी खिलाता हूँ जब भी कभी बारिश होती है। और बारिश रुकने के बाद जो यहाँ पर ट्रेडिशनल किसान हैं वो तुरंत ही अपनी बकरियों को बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो सूखा चारा नहीं खिलाते हैं। उनकी बकरियों को चरने की ही आदत होती है और वो चरने के टाइम पर चिल्लाएं लगती हैं और सूखा चारा खाती नहीं है। मेरी बकरियां सूखा चारा भी खाती, स्टॉल फीड पर भी सेट हैं, और इसके अलावा ये पूरी तरह से चराई पर होती हैं। मैंने अपनी बकरियों को भी 6:30 बज रहे हैं चराई के लिए निकाला है, ताकि आधे घंटे एक घंटे जो भी हो उस देर अपना टहल लेंगी और कुछ देर की चराई हो जाएगी, थोड़ा सहारा चारा पा जाएंगी दो दिनों के बाद। ये सभी बकरियाँ अपने झुंड के साथ, बच्चे और बड़ी बकरियाँ सब निकली हुई हैं चरने के लिए। ये मेरा ब्रीडर है बरबरी का, और एक छोटा ब्रीडर मैं तैयार कर रहा हूँ, अभी एक महीने का है। वहाँ पर भी एक बकरी है मेरी, और कुछ बकरियाँ मेरी आगे निकल गई हैं। चलते हैं आगे। ये मेरी एंजल है, बेल्जियम शेफर्ड। अभी इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार इससे भी प्रोडक्शन लेनी है। इसको ला करके एक अभी इंजेक्शन देना है, जिससे इस बार ये क्रॉस ना हो। आगे चलते हैं अपनी बाकी बकरियों के पास। इधर कुछ बकरी गई है ना सचिन भाई, इधर? हाँ, यहाँ पर भी हमारी कुछ बकरियाँ आई हैं, बच्चे हैं। हाँ हैं, यहाँ पर जो अपना नया ब्रीडर तैयार कर रहा हूँ वो यहीं पर है, आपको मैं दिखाता हूँ। आप इन बकरियों को देखिए, इनकी हेल्थ कैसी है मुझे बताइए। मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे थोड़ा सा, ये आज इनका माहौल थोड़ा एक्साइटेड लग रहा था। दो दिनों के बाद ये लोग अपने बाड़े से बाहर निकली हुई हैं, बाड़े की साफ़ सफाई हुई है, और बारिश में मैंने इनका मैनेजमेंट कैसे किया है उसकी भी एक अलग वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा कि आखिर मैंने बारिश में क्या मैनेजमेंट किया है और कैसे अपनी बकरियों को भीगने से बचाता हूँ। और वो बहुत ही सस्ता जुगाड़ है, सस्ता और टिकाऊ जुगाड़ है, वैसा आप भी कर सकते हैं। ये मेरी बकरियाँ अभी आज चराई के लिए निकली हैं, करीब 1.5-2 दिन बाद चराई अच्छे से कर रही हैं। ये है वो बकरी जो मेरे ब्रीडर के साथ पैदा हुई थी, और ये है मेरा ब्रीडर जिसे मैं तैयार कर रहा हूँ। इसे मैं एक्स्ट्रा इसकी माँ के अलावा भी दूसरी माँओं का भी दूध पिलाता हूँ, और अब ये थोड़ा बहुत चराई भी करने लगा है। इसका नाम है रोनाल्डो, बरबरी का प्योर ब्रीडर है। ये मेरे अगले फार्म का अगला ब्रीडर है। और जो पिछला ब्रीडर आपने देखा, अगर वो आपको पसंद आए तो आप उसको ले जा सकते हैं, क्योंकि उससे मुझे बस 3 बकरियां और क्रॉस करानी है। इसके बाद उससे मैं प्रोडक्शन नहीं लूँगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर इसके बाद रहेगा तो अपने ही बच्चों को क्रॉस करने लगेगा। उसके कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अब पैदा होने वाले हैं, तो यहाँ पर इससे ज़्यादा दिन तक रहेगा तो वो अपने ही बच्चों को क्रॉस करने लगेगा, और इन ब्रीडिंग मैं अपने फार्म पे नहीं कराऊंगा कभी भी। इसलिए उस ब्रीडर को अगर आप लेना चाहेंगे तो मैं उसे सेल करूंगा, मेरा अगला ब्रीडर यही है। ये रहा मेरा आज का वीडियो, मैंने कुछ चीज़ें आपको दिखाने समझाने की कोशिश की है कि आखिर बरसात में मेरा मैनेजमेंट कैसा है। आपका मैनेजमेंट अगर स्टॉल फीड वाला है तो आप उसको बरसात में भी और बाकी मौसमों में भी अंदर ही रखते होंगे, लेकिन मेरी बकरियां चराई पर निकलती हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से एक ऐसा किसान जो ट्रेडिशनल और साइंटिफिक दोनों ही चीज़ों को थोड़ा मिश्रित करके ऐसा गोट फार्मिंग का काम कर रहा है, वो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकता है। इससे आपका चारा भी कम लगना है, और चारा कम लगेगा तो सीधी सी बात इसकी कॉस्टिंग भी कम आएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा गोट फार्मिंग में कमा पाएंगे। यदि बकरियां चराई पर निकलती हैं तो इसमें कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, और बकरियों की हेल्थ ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो प्राकृतिक चारा पा रही होती हैं और बढ़िया एनवायरनमेंट में थोड़ा घूम टहल रही होती हैं। और अगर आपको माल भी चाहिए तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर दे दिया है और वीडियो में भी वो नंबर फ्लैश हो रहा होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।